आप देख रहे हैं रफ्तानवी चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली में बने एक नए डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे राजधानी के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारी भी रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद हो रही हिंसा के बारे में और कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद दिल्ली में अलर्ट के बारे में भी किया गया जिक्र। जिले के डीसीपी गौरव शर्मा ने उपलब्धियां और काम करने में आ रही दिक्कतों के बारे में भी किया खुलासा। राजधानी दिल्ली में भारी जिला पुलिस के लिहाज से काफी बड़ा और संवेदनशील जिला माना जाता है, जिसको देखते हुए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक नए जिले की घोषणा की गई जो कि उत्तरी बाहरी जिले के नाम से रखा गया। आज इस जिले के डीसीपी ऑफिस उद्घाटन करने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर स्वयं बादली पहुंचे, जहां समयपुर बादली थाना में बने नए डीसीपी ऑफिस का उद्घाटन किया। साथ ही साथ जिले के सभी एसएचओ एसीपी और डीसीपी की मौजूदगी में पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अपनी राय रखी। जैसे पिछले कुछ दिनों से चल रही बच्चे चोरी की अफवाह पर लोगों का भी लग जाने का उन्होंने बताया कि क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ कश्मीर में 370 धारा के हटने के बाद से दिल्ली में लगे हाई अलर्ट के बारे में भी उन्होंने कई बार बारीकी से बताई। किस जिले में हो रहे काम और अपराध को नियंत्रण लगाने को लेकर भी कई निर्देश और सलाहें पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने दी, जिस पर काम करने की वाकई जरूरत है। जिले के डीसीपी गौरव शर्मा ने भी उत्तरी बाहरी जिले के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी और पिछले कुछ दिनों में जब यह जिला बना है तब से अब तक की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस जिले को बनाने की क्या आवश्यकता थी। अपराध और अपराधियों को लगाम लगाने के लिए जीटी रोड से लगे सीसीटीवी कैमरे से लेकर इलाके में हो रही तमाम गतिविधियों का जिक्र किया और खास तौर पर इस जिले में 3 कुख्यात गैंग सक्रिय है, जिसके बारे में बताते हुए यह भी जानकारी दी कि इन तीनों ग्रहों को मिलाकर अब तक 62 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य सीधे तौर पर आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने का है। कोबरा का रिजल्ट को अलग बनाने की यही जरूरत थी कि राजधानी में हो रही आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके और साथ ही साथ पुलिस जरूरत से ज्यादा इलाके होने की वजह से जो काम नहीं कर पा रही थी उसमें भी सुचारू रूप से काम कर सके, ऐसी जरूरत है। और उम्मीद जताई गई कि इस डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय तीनों गैंग और साथ ही साथ कई आपराधिक घटनाओं पर ना सिर्फ लगाम लगाई जा सके बल्कि पूरे तरीके से अंकुश लगाकर लोगों को महफूज रखने की भी गारंटी दी। डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी साहब के ये ऑफिस रहेगा और यहाँ के एक और यहाँ इस जगह पे एक सीनियर ऑफिसर थी प्रेजेंस अगर रहे मौजूद की रहे तो उसमें सुपरविजन चेकिंग पेट्रोलिंग हर चीज़ में थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल मेजर्स में हमको काफ़ी फायदा होगा। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ के जो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ के एरिया के जो प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक ये अच्छा कंसेप्ट इन्होंने आज शुरू किया है मोबाइल पुलिस पिकेट। इसका मकसद ये है कि हम पिकेट लगा के बीच बीच में चेकिंग करते हैं क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि वारदात करके जो क्रिमिनल्स हैं थोड़े से भागने में सक्षम हो जाते हैं अगर पुलिस चेकिंग ना रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पुलिस पिकेट्स लगा के चेकिंग करते हैं। और ये पुलिस पिकेट्स हम खुद अपना उस पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी रखना चाहते हैं कि ऐसा कि नहीं कि हर जगह पे हर समय वही चेकिंग हो रही है, तो वो सरप्राइज एलिमेंट को हम पहले से दूसरी तरीके से करते थे कि अलग अलग जगह पे बाय सरप्राइज बैरिकेड लगा के हम चेकिंग करते थे। लेकिन इन्होंने एक अच्छा एक आइडिया सोचा है, एक मोबाइल पुलिस पिकेट। ये ऐसा है कि कहीं भी जाके स्थिति के हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर सकता है और उस पर बैरिकेड वगैरह रहती है पोर्टेबल बैरिकेड्स, वहाँ पर इमीडिएटली उसको कॉर्डन ऑफ करके इमीडिएटली चेकिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम आगे और भी डिस्ट्रिक्टों में जो खास करके क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट है और जहाँ पर और दूसरे तरह की सीरियस कुछ समस्याएं बीच बीच में होती हैं तो उन जगहों में भी ये हम मोबाइल पुलिस पिकेट। कितने पुलिस स्टेशन इसमें बनाए गए हैं और पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग कितने और कितने बॉर्डर को कवर करेंगे? यहाँ पे मेन जो बॉर्डर है आपका वो हरियाणा के साथ बॉर्डर है और जो बॉर्डर के साथ सटे हुए हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं क्योंकि बॉर्डर के इधर से उधर उधर से इधर क्रिमिनल्स का मूवमेंट होना थोड़ा आसान रहता है, तो हमारे सीनियर अफसरान लगातार दूसरे स्टेटों की जो पुलिस उनके साथ तालमेल रखते हैं और जॉइंट चेकिंग वगैरह कराते हैं। और ये इन सब चीज़ों की वजह से आपने देखा भी होगा जो डीसीपी साहब ने प्रेजेंटेशन दिया था उसमें यहाँ की वारदात क्राइम इंसिडेंट्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, थिंग्स हैव बिकम बेटर।
लेकिन हम आगे भी और भी कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने अपने एड्रेस में ये भी कहा था कि यहाँ की जो जनता है उनके भी हम सहयोग लेंगे, उनके साथ तालमेल रख के काम करेंगे ताकि आने वाले टाइम में पुलिसिंग यहाँ के। अमोले सर, कश्मीर में 370 हटने के बाद सबसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट ये लगता है जो कश्मीर को दिल्ली से डायरेक्ट जोड़ता है, क्या खास तैयारियां इस डिस्ट्रिक्ट में की तरफ से की जाती है कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए? दिल्ली पुलिस के किस तरह से तैयार है, क्या खास तैयारी की गई है? हम तो हमेशा अलर्ट रखते हैं, ऑल ओवर दिल्ली अलर्ट रखते हैं, तो इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं। इस जिले का जैसे आज आपने फंक्शन के दौरान भी देखा है कि प्रेजेंटेशन में मैंने इस बात को रेज किया कि यहाँ पर मुख्य चुनौतियाँ रही हैं, हमारा स्टेट के साथ पोरस बॉर्डर रहा है, यहाँ पर किराएदारों का बहुत बड़ी समस्या रही है, कच्ची कॉलोनियाँ बहुत रही हैं, उस पर सत्यापन का इशू रहा है, कुछ यहाँ पर कुख्यात गिरोह भी सक्रिय रहे हैं, वो भी एक हमारे लिए बड़ी चुनौती रही है। और हमारी सारी की सारी रणनीति जो रही है वो इसी तरह से क्राइम को ना केवल रोकने के लिए बल्कि उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमने कार्रवाई करी है, जिसमें मैंने जैसे कि प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया था, नीरज भवानिया, राजेश भवानिया, गोगी टिल्लू गैंग के भी हमने 62 मुख्य सरगना अब तक पकड़ लिए हैं। आपने ये भी देखा कि हमारी जो अवैध हथियारों की जब्ती है इस साल की वो पिछले साल से 150% ज़्यादा है, जो कि हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी अचीवमेंट हमारे को मिलेगी। और इसी के साथ में एक हमने यहाँ पर एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसको हम ये मोबाइल पुलिस टिकट के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। इससे सबसे अच्छी हमारे साथ में जो हमें एक सुविधा मिल रही है वो ये मिल रही है कि किसी भी समय में कोई वारदात होती है, मान लीजिए किसी के साथ दुर्घटना हुई, किसी के साथ कोई रॉबरी हो गई, कोई गन दिखा के उसकी कोई गाड़ी छीन के ले गया, तो इमीडिएटली हम नाकाबंदी करने में कामयाब होते हैं। 5 मिनट के अंदर पूरे ज़िले के सारे बॉर्डर जो हैं सील हो जाते हैं और ये सारी की सारी हमारी जो टीम्स हैं एक्टिव हो जाती हैं, इनके पास वायरलेस सेट होता है, इमीडिएटली उनको कम्युनिकेशन किया जाता है और सारी सड़कों की नाकाबंदी करके जल्दी से जल्दी हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं और बहुत हमारी ये स्कीम सफलता हमें दे रही है। पहले जो क्रिमिनल है हरियाणा से आते थे, यूपी से आते थे, क्राइम करके तुरंत निकल जाते थे, लेकिन अब वो दिल्ली में घुसने से डरते हैं, ऐसा क्यों सर? ये तो जो आप लोगों का साथ रहा है, प्यार रहा है, इसके साथ में मैं हरियाणा पुलिस का भी शुक्रिया करना चाहूँगा, हमारी उनके साथ बहुत अच्छी सा सहयोग चल रहा है, बहुत सारी जॉइंट रेड्स हमने करी हैं, यहाँ तक कि जॉइंट वेरिफिकेशन टैलेंट कैंप भी हम करते हैं कि जो हमारे पास। अमल पटनायक जी ने, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जिले का डीसीपी दफ्तर का इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पे तमाम जो यहाँ के इलाके के मौजूद व्यक्ति यहाँ पे इस फंक्शन में सम्मिलित हुए और ये जो डीसीपी का जो यहाँ पे नया ये जो जिला बनाया गया है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, खासकर क्राइम कंट्रोल में, जो आउटर नॉर्थ हमारे लिए बहुत क्रूशल हो जाता है क्योंकि बॉर्डरिंग यूपी तथा हरियाणा दोनों के साथ इस पे हमारे कई सारे थाने लगते हैं और तो इस पे कंट्रोल करना हमारा एक बहुत ही अहम रिस्पांसिबिलिटी है। तो सर आप पहले भी यहीं जॉइंटशिप रहे, तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ रहे, डीसीपी भी रहे, तो कहीं ना कहीं स्टाफ को काफ़ी आपकी तरफ से मदद भी मिलेगी, हेल्प मिलेगी क्राइम को कंट्रोल करने में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली पुराना रिश्ता रहा है नॉर्दर्न जोन से, मैं यहाँ पे डीसीपी नॉर्थ वेस्ट था, उसके बाद जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज भी था और अब स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ का की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो वाकफियत एरिया से है, लोगों के साथ है, उससे काफ़ी फ़र्क और काफ़ी जो टॉपोग्राफी के साथ साथ क्रिमिनल्स की जो नॉलेज और जो उनके ऊपर दबाव और प्रेशर डालना उसमें बहुत ही उसमें फ़ायदा होगा। सर सबसे राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद सबसे सेंसिटिव वोट इसी इलाके में लगते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर खासतौर से करना पड़ता है? जैसे बताया गया कि एक तो इंटरस्टेट जो भी क्रिमिनल जो मूवमेंट हो जो यहाँ पे, यहाँ के जो पुराने वाले जो क्रिमिनल्स हैं और जो कि एक्टिव हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उसके ऊपर बहुत तवज्जो रहेगी और प्रेशर हम लोग उनके ऊपर डालेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।